प्रभा सब शाहरुख से मत लेना पंगा। एक रिपोर्ट्स की माने तो सालार के मेकर्स ने इस क्रिसमस फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया है। यह दूसरी बार है जब होमले फिल्म्स और शाहरुख बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे। साउथ सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म सालार पहले 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ वीएफएक्स की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दी गई। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने अब इस फिल्म को क्रिसमस पर रिलीज करने का फैसला किया है। वहीं क्रिसमस पर ही किंग खान की फिल्म डंकी भी रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास की फिल्म क्रिसमस पर शाहरुख खान की डंकी से टकराने वाली है। आपको बता दें कि होमले फिल्म्स और शाहरुख खान के बीच ये पहला मुकाबला नहीं है, इससे पहले भी दोनों की भिड़ंत हो चुकी है। साल 2018 की क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म जीरो और प्रभास की केजीएफ के बीच क्लैश हुआ था। बता दें, जीरो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, वहीं केजीएफ हिट हुई थी। वही अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा जब दोनों मेगा बजट मूवी आमने सामने होगी। बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म राजू हिरानी बना रहे हैं। दोनों पहली बार साथ काम करने वाले हैं। फिल्म में शाहरुख के साथ एक्ट्रेस तापसी पन्नू नजर आने वाली हैं। इस साल की शुरुआत पठान के साथ काफी शानदार रही। ऐसे ही इस साल का अंत भी काफी दिलचस्प होने वाला है, जिसको लेकर फैंस भी एक्साइटेड हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।